हे यू व्हाट्स अप गाइस, तो फिर कैसे हो। तो आज हम फिर से खेलने के लिए आ ही गए मिनी ट्राकार। तो इस गेम के पिछले वीडियो में पिछला वीडियो तो मैंने बनाया था मिनी ट्राकार गेम कैसे खेले उस पे, जो इस गेम को पहली बार खेल रहे हैं उनके लिए। तो उसके पिछले वीडियो में हमने एक न्यू ट्रक खरीदे थे ये वाला, और इसको खरीदने के बाद हम यहाँ से आयरन माइन से आयरन ओर लेके हम गए थे इस रास्ते से माइनिंग क्वारी की तरफ। और माइनिंग क्वारी पे आप देखता हूँ तो यहाँ पे तो आयरन ओर चाहिए ही नहीं। पहले थोड़ा सा मेरे को समझ में नहीं आया था तो गलत रास्ते से चल गए थे हम, हड़बड़ी में गड़बड़ी हो गई थी। लेकिन अब मेरे को समझ में आ चुका है कि इस गेम का कॉन्सेप्ट क्या है और अभी हमको क्या करना है, जो मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊँगा। गलत रास्ते से चल गए तो चल गए चलो, लेकिन रास्ते में ट्रक ऐसा फंसा कि इस चढ़ान से बिल्कुल भी नहीं उठ पाया था। और यहाँ से तो उठाना भाई नामुमकिन लग रहा है भाई, यहाँ से आगे बढ़ ही नहीं पा रहे, क्या करें, मेरे को टेंशन हो रहा है और फ्यूल भी ख़त्म हो रहा है, पैसा तो नहीं है। तो अगले वीडियो में देखते हैं। तो आपने अभी देखा कि वहाँ पे हमारे ट्रक का फ्यूल पैसा दोनों ख़त्म हो गया था और बैंड बच गया था हमारा। तो बाद में कैसे भी करके मैंने वहाँ से ट्रक को निकाला और पैसे को रिकवर किया। अभी देख सकते हो यहाँ पे 1000 कुछ रुपया है अपने पास, अभी उस दिन तो बिल्कुल ख़त्म ही हो गया था। और अभी हमको यहाँ पे क्या करना है ये जान लेते हैं। अभी देखिए ट्यूटोरियल तो हमने कंप्लीट कर लिया है, अभी हमको अपने आप काम करना पड़ेगा, कोई हिंट नहीं मिलेगा। अभी हमको देखना होगा कहाँ पे क्या चाहिए, जहाँ पे जो चीज़ चाहिए वहाँ पे वो सारी चीज़ें हमको डिलीवर करना होगा। तो यहाँ पे आप घूम घूम के देख सकते हो एक एक में क्लिक कर करके कहाँ पे क्या चाहिए, तो उस हिसाब से आप काम कर सकते हो। जैसे कि हम यहाँ स्टील मिल पे क्लिक करके देखें तो यहाँ पे आयरन और चाहिए। भाई साहब उस दिन यहाँ पे आना चाहिए था हमको, यहाँ पे क्यों नहीं देखा मैंने, उस दिन नज़दीक में ही था, फटाक से आ जाते। चलो कोई नहीं, बात गई बीत गई, चलो आज का काम करते हैं हम। यहाँ पे देख सकते हो आप बाएं तरफ है रिक्वायर्ड, मतलब ये चीज़ यहाँ पे चाहिए, और दाहिने तरफ है प्रोड्यूस्ड, यहाँ से हम ये सारी चीज़ें ले सकते हैं। तो हम यहाँ पे आयरन और डिलीवर करेंगे तो उससे बन जाएगा चार चीज़ें, शॉर्ट स्टील बीम्स, मीडियम स्टील बीम्स, लॉन्ग स्टील बीम्स एंड स्टील प्रोडक्ट्स। और ये बनने के बाद हम यहाँ से ये सारी चीज़ें ले सकते हैं, और जहाँ पे ये सारी चीज़ें चाहिए वहाँ पे हम डिलीवर कर सकते हैं। तो ये है भाई साहब इसका फंडा, समझ गए। तो चलो अभी अपना काम शुरू करते हैं। तो अभी हम खड़े हैं वेविंग मिल पे, और पिछले एक वीडियो में आपने देखा होगा कि फार्म से हुल ला के हमने वेविंग मिल पे डिलीवर किए थे, तो उस हुल से वेविंग मिल पे क्या बन के रेडी हुआ है ये देखते हैं अभी। तो यहाँ पे हुल से बन चुका है योवेन फैब्रिक, तो आज हम योवेन फैब्रिक ट्रांसपोर्ट का काम करेंगे। तो इसको यहाँ से उठाने से पहले हमको देखना पड़ेगा इसको ले के कहाँ जाना है, क्योंकि पहले एक बार हम एक गलती कर चुके हैं और हमारा ट्रक भी फंस चुका है, तो ये गलती हम फिर नहीं करेंगे। पहले देखेंगे कहाँ पे लेके जाना है, उसके बाद ही माल उठाएंगे। फर्नीचर फैक्ट्री यहाँ तो नहीं, उसके बाद कॉन्क्रीट प्लांट यहाँ भी नहीं, स्टेशन पे नहीं होगा, फिर भी देखें नहीं। गारमेंट फैक्ट्री यहाँ पे ह्यूमन फैब्रिक का काम हो सकता है, और हो सकता है क्या, यहाँ पे ही है, यहाँ पे ही ह्यूमन फैब्रिक चाहिए, सही पकड़े है। तो हमको पता चल गया यहाँ पे आना है, तो चलिए फटाफट माल उठाते हैं और चल बढ़ते हैं। वेविंग मिल जाना है हमको, और वहाँ से उठाना है माल योवेन फैब्रिक यहाँ से। ओके चलिए फिर आ गए हम, तो देखते हैं योवेन फैब्रिक कैसा होगा, कौन से बॉक्स में हमको मिलेगा, किस टाइप का होगा वो पेटी, और क्रेन से मिलेगा ये तो यहाँ पे ऑप्शन आ चुका है, क्रेन से लेना है हमको। ये देख लो दो बॉक्स यहाँ पे आ चुका है योवेन फैब्रिक का, यहाँ पे इनको अभी उठाएंगे, तो फटाफट इनको उठाते हैं क्रेन से और ट्रक में रखते हैं। वैसे एक के ऊपर एक है तो दो एक साथ नहीं उठा सकते, एक एक करके उठाना पड़ेगा हमको। दो एक साथ उठा सकते थे अगर वो साइड में होता, तो ऊपर ऊपर है तो फिर एक एक करके ही लेना पड़ेगा हमको। एक बार उठाए थे ना हुल, उठाए थे ऐसे हुल का पेटी उठाए थे हम दो दो करके, और हुल का पेटी चार चढ़ा दिए थे हम, और थोड़ा सा जाने के बाद दो गायब हो गया था ऊपर का, और तब से हमको पता चल गया कि चार नहीं जा सकता, ऐसे जाए तो फिर हम तो एक साथ आठ ले जा सकते हैं, लेकिन दो जाता है शायद, बड़े ट्रक में ज़्यादा पावरफुल ट्रक में जा सकता है, वो तो हम देखेंगे आगे कभी जब हम बड़े ट्रक खरीदेंगे ज़्यादा पैसा होने के बाद, तो वो तो हम ट्राई करेंगे ही ज़्यादा माल ले जाने की, कुछ खुराफाती तो करेंगे ही। और आज हम जाने वाले हैं बिल्कुल पक्के रोड से, पक्के रोड से जाना हमारा मजबूरी है भाई, क्योंकि ये वाला ट्रक है ना ये 4x4 का नहीं है, और इसका हाइट भी छोटा है। छोटा क्यों है, इसका जो व्हील है ये छोटा छोटा है,
तो ऑफ रोड से जाएंगे तो फिर बहुत बड़ा दिक्कत हो सकता है भाई। दिक्कत कैसा होगा पता है? मिट्टी के रोड में आपको तो पता है कितने गहरे गहरे खड्डे होते हैं, और कितने बार हम ट्रक लेके वहाँ पे फंस चुके हैं। तो इस ट्रक को अगर हम मिट्टी के रास्ते में लेके जाए तो देखिए इसका हाइट छोटा है ना, तो इसका पीछे का हिस्सा नीचे लग जाता है गड्ढे पे घुसने पे। ओ भाई पंछी की तरह उड़ गया है। तो वैसे मैंने कई बार इसको ट्राई किया था मिट्टी के रास्ते में चलाने के लिए, लेकिन वहाँ पे अगर थोड़ा सा भी ज़्यादा गड्ढा हो ना, ये इसका जो छोटा सा व्हील है वहाँ पे भर जाता है, पूरा गड्ढा भर जाता है और पीछे का हिस्सा नीचे मिट्टी में टच हो जाता है। उसके बाद उसको उठाना बिल्कुल नामुमकिन है, कोई नहीं उठा सकता उसको। और इसमें टोइंग वैन भी तो नहीं मिलता है ना? टोइंग वैन भी मिलता तो अच्छा रहता, कहीं पे अगर हम फंस जाते तो वहाँ से उसको खींच के निकालने में मदद मिलता, उसको हम वहाँ से आसानी से खींच के निकाल सकते थे। कोई नहीं, हम संभाल के काम करेंगे। हाँ आगे किसी अपडेट में आ सकता है ये, आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट भी कर देना, क्योंकि एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है यार, बहुत रात भर जग जग के वीडियो बनाता हूँ मैं, तो एक लाइक तो बनता है। रात को 4 बज जाते हैं वीडियो बना के अपलोड करने में, इतना मेहनत कौन करेगा। पूरे यूट्यूब पे आप देख लेना, कुछ भी बोल के डाल देते हैं और उनका लाइक और मेरा लाइक मैं देखता हूँ तो भाई बहुत दुख होता है, कैसे कैसे हो सकता है ये। तो असली मेहनत को समझो और लाइक और कमेंट को बढ़ाओ, क्योंकि मेहनत करने वाले लोग इस दुनिया में बहुत ही कम होते हैं। लोग तो शॉर्टकट से आगे बढ़ जाते हैं और हम मेहनत करने वालों में से हैं। अगर आप लोग मेहनत करने वालों को सपोर्ट नहीं करोगे तो आगे से मेरे जैसा कोई भी इतना मेहनत करने से पहले 100 बार सोचेगा, तो सपोर्ट दिखाओ। तो अभी हम पहुंचने वाले हैं स्टील मिल पे, थोड़ा सा आगे ही स्टील मिल है, वहाँ पे हम अभी पहुँचेंगे। वैसे अभी तक तो अच्छा चल रहा है, अच्छा ही स्पीड में जा रहे हैं हम। इस ट्रक का स्पीड है ना पहले वाले ट्रक से ज़्यादा है। उस दिन क्या हुआ था बताए, क्यों स्पीड कम हुआ था? कुछ ज़्यादा ही माल भर लिए थे हम, 10 टन के ऊपर माल भर लिए थे हम, इसीलिए खींच नहीं पाया था। और आज देख सकते हो यू वन फैब्रिक के 2 पीस है और इसका वेट है 1.8 टन, तो ये आसानी से खींच सकता है, इसीलिए हम इतना भाग रहे हैं। देख सकते हो कितना स्पीड में जा रहे हैं, और देख सकते हो इस गेम में अभी कितना अच्छा सा एक स्टोरी बन रहा है। तो देखिए फार्म में हुल बनता है, तो उस हुल को हम लेके गए थे वेविंग मिल पे, और वेविंग मिल पे बन चुका है योवन फैब्रिक, और इसको हम लेके जा रहे हैं अभी गारमेंट फैक्ट्री पे, और वहाँ पे जाके ही कपड़ा बनेगा। अभी हम खड़े हैं फर्नीचर फैक्ट्री पे, और अभी जाएंगे किधर से हम, कंक्रीट प्लांट से या फिर स्टेशन से? चलो स्टेशन से चलते हैं, स्टेशन से होते हुए जाएंगे हम। ये जो अभी बॉक्स देख रहे हो ट्रक में, ये प्रॉपर कपड़ा नहीं है, कपड़े का पट्टा जैसा है जो कि बॉक्स के अंदर भरा हुआ है। ये गारमेंट फैक्ट्री पे जाके प्रॉपर तरीके से कपड़ा बनेगा, और वहाँ पे कपड़ा बनने के बाद हम कपड़े को कहाँ लेके जाएंगे? कपड़े को मुझे लगता है ना सिटी में लेके जाना होगा, क्योंकि सिटी में ही कपड़ा बिकेगा। तो स्टोरी कितना अच्छा बन रहा है, देखिए स्टोरी बहुत ही शानदार बनता जा रहा है भाई। जितना जितना इस गेम को हम खेलते जा रहे हैं उतना ही मज़ेदार बनता जा रहा है। मैं पहली बार जब इस गेम को खेलना शुरू किया था ना, मैंने सोचा नहीं था यार कि इतना सब कुछ हमको करना पड़ेगा इस गेम में, इतना मज़ेदार चीज़ है इस गेम में, भाई साहब मज़ा ही आ जाएगा। तो और एक वीडियो में आपने देखा होगा कि हम ऑफ रोड क्लब में गए थे और वहाँ पे हमको समझ में नहीं आया था कि करना क्या है, तो वो भी मेरे को समझ में आ चुका है अभी कि वहाँ पे होता क्या है। रेसिंग का समझ में गए थे लेकिन रेसिंग हो नहीं पाया था, तो अब तो समझ में आ चुका है, तो बहुत जल्दी आपको उसका वीडियो भी देखने को मिलेगा। तो लगभग गारमेंट फैक्ट्री पे हम पहुँचने ही वाले हैं, वहाँ पे जाके फटाफट माल उतार देंगे और वहाँ पे क्लॉथ बनने का प्रोसेस शुरू हो जाएगा, और वहाँ से फिर कभी कपड़ा लेके बेचने निकलेंगे। चलो फिर माल उतारते हैं यहाँ पे, और चलिए चलिए इसको हमको उतारना पड़ेगा क्रेन से, मतलब चढ़ाए थे क्रेन से, उतारेंगे भी क्रेन से ही। चलो लेते हैं बीच में और दोनों को एक साथ ही उठाएंगे, क्योंकि पास पास है तो दो एक साथ उठ जाएगा, देखना है। ये देखो दोनों एक साथ उठ गया, और एक बार में ही हमारा काम तमाम हो चुका है, काम ख़त्म हो गया। ये दो बॉक्स अंदर जाएगा, उसके बाद हमको मिल जाएगा पैसा, और यहाँ पे क्लॉथ बनना शुरू हो जाएगा। चलो चल 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 फटाफट, और इस काम के लिए हमको मिल गया है 1160 रुपया। तो रखते हैं इस वीडियो को यहीं तक ही, तो इस गेम का नेक्स्ट वीडियो मैं किस पे बनाऊँ, ऑफ रोड क्लब पे या फिर किसी और चीज़ पे, तो ये आपको कमेंट करके बताना है। देखिए कमेंट करोगे तो ही मेरे को मालूम चलेगा कि किस टाइप का वीडियो आपको देखना है, और आगे मैं उसी टाइप का वीडियो बनाऊँगा। तो
ये वाला वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।